आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तुम्हारे पास चंदर के सिवा सब कुछ है और मेरे पास उसके सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास दौलत है, उससे जाकर अपनी खुशियां कहीं और से क्यों नहीं खरीद लेती? हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करने आई हो? चली जाओ यहां से, चली जाओ। दोस्तों, इमेजिनेशन को उर्दू में कहते हैं तसव्वुर और हिंदी में कहते हैं कल्पना। तसव्वुर यानी इमेजिनेशन यानी कल्पना पे मुझे मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर याद आ रहा है। मजरू साहब उर्दू के बहुत मशहूर शायर थे और गीतकार भी बहुत मशहूर थे। सुनिए, तसव्वुर के बारे में कहते हैं, तसव्वुर में उसके नज़र जो उठा दी, तसव्वुर में उसके नज़र जो उठा दी, फिजा वो लुठी कहकशां मुस्कुरा दी। और आज जिस अदाकारा की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत वर्सेटाइल है, बहुत अच्छी अदाकारा हैं और बेहतरीन डांसर भी, और वो हैं कल्पना, कल्पना अय्यर। तेरी आवाज में वो दर्द है, तेरी आवाज में वो मोहब्बत है, मगर सुन, तेरे दर्द तेरी मोहब्बत के साथ ये दुनिया वाले क्या इंसाफ करेंगे? हाँ, कल्पना अय्यर को मैं वर्सेटाइल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बेहतरीन डांसर भी और बहुत अच्छी सिंगर भी थी और साथ ही साथ मॉडलिंग भी कर चुकी थी। 26 जुलाई 1956 में पैदा हुई थी कल्पना अय्यर मुंबई में एक साउथ इंडियन परिवार में। उनके पिता का नाम था पद्मनाभन अय्यर और वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करते थे। कल्पना की माँ का नाम था तारा और वो टीचर थी। कल्पना अय्यर की दो छोटी बहनें हैं और एक छोटा भाई भी था जो अब सिर्फ याद बन के रह गया है। कल्पना अय्यर ने अपने स्कूल की पढ़ाई की मुंबई में, 10th तक पास किया और उसी दौरान स्कूल की एक फंक्शन में मशहूर प्लेबैक सिंगर मुकेश जी ने कल्पना अय्यर को स्टेज पर डांस करते हुए देखा। उन्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा ताज्जुब उस वक्त हुआ जब उन्हें पता चला कि कल्पना अय्यर ने कभी किसी से किसी तरह का भी डांस सीखा नहीं है। बस फिर क्या था, उन्होंने फौरन कल्पना को अपनी ट्रुप में शामिल कर लिया और उसके बाद पूरी दुनिया में घूम घूम के कई लाइव शोज किए। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड टूर करने के साथ साथ उन्हें जब भी मौका मिलता था तो वो मॉडलिंग भी करती थी। इसके अलावा 1976 में कल्पना अय्यर ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी लिया और 1978 में मिस वर्ल्ड में। Ladies and gentlemen, my name is Kalpana Iyer. I'm a professional dancer and model. I'm 21 years of age. Kalpana Iyer, 21, professional model and dancer. She's 5'5", statistics 34, 24, 34, and she is Miss India. Kalpana Iyer कहती हैं कि 1980 मेरे लिए बहुत मुबारक साल था क्योंकि उसी साल मैंने बहसियत हीरोइन अपनी पहली हिंदी फिल्म साइन की राजश्री बैनर की और उस फिल्म का नाम था मनोकामना और मेरे साथ हीरो थे राज किरण। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए,
प्यार करना और बात है, लेकिन शादी करके जिंदगी भर साथ रहना, तुम सोच लो। मैं लंदन से आई थी तो ये सोचकर कि वक्त के साथ साथ तुम्हारे ख्याल भी मेरी तरह बदल चुके होंगे, लेकिन दोस्तों किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। कल्पना अय्यर कहती हैं कि जिस फिल्म में मैं हीरोइन थी वो फिल्म बाद में रिलीज हुई और उससे पहले रिलीज हो गई देवानंद की फिल्म लूट मार। और इसके बाद तो बेहतरीन और सुपरहिट गानों की कमी कभी नहीं पड़ी। दोस्तों ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कल्पना अय्यर बहुत ही वर्सेटाइल हैं और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल भी किए। वैम्पिश माँ बनने वाली हूँ। किसका बच्चा है? मेरे पति का। ओ, पति का या आशिक का? मेरे पति का। शीला मैडम, इस हराम दादी के हाथ पकड़ो। नहीं नहीं, तुम्हारा बच्चा होने वाला है। और ये बताना भी बहुत जरूरी है कि हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने कई रीजनल भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। कल्पना अय्यर कहती हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन और बेहतरीन जज्बा है मोहब्बत और प्यार का, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए कि मैं पूरी ज़िंदगी काम में इतनी ज़्यादा बिजी और इतनी ज़्यादा मसरूफ़ रही कि मुझे कभी मोहब्बत का, प्यार का या शादी का ख्याल ही नहीं आया, और जब ख्याल आया तो बहुत देर हो गई थी। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि फिल्मों के अलावा कल्पना अय्यर ने टेलीविज़न पर भी कई बड़े बड़े सीरियल्स में बेहतरीन काम किया है, जैसे जुनून, कशिश, चंद्रकांता और बनेगी अपनी बात इरफान खान के साथ। बच्चों को छुट्टों में कहीं भेजा? नहीं, यही सरते रहे। विवेक मसूरी जाना चाहता था। तो मैं क्या करूं, अपने आप को बेच दूं? हर बात का बस यही एक जवाब है तुम्हारे पास। अगर इतनी भी औकात ना हो ना तो बात बात पर चिल्लाया मत करो। कल्पना अय्यर कहती हैं कि अजीब इत्तेफाक है, मैंने अपने करियर की शुरुआत भी राजश्री बैनर से की थी और मेरी आखिरी फिल्म जो थी वो भी राजश्री बैनर की थी और उस फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। प्रेम और विनोद को भी कमरे ऊपर मिलने चाहिए, उन्हें गार्डन का टॉप व्यू क्यों ना मिले आप ही बताइए। विवेक, विनोद और प्रेम तीनों को सब कुछ एक जैसा मिलना चाहिए कि नहीं? कल्पना अय्यर आजकल दुबई में रहती हैं अपनी छोटी बहन कविता और उसके बेटे के साथ और एक रेस्टोरेंट को संभालती हैं। वो दोबारा फिल्मों में काम करना चाहती हैं लेकिन डिग्निटी के साथ। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूंगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।